नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसके चैप्टर 6 के सेकंड पार्ट के बारे में। और आज का हमारा भाग है राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता। तो ये 6 चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद जो है वो कैसे कैसे उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। और आपका प्रश्न आज का यह है कि मीरातुल अखबार जो है वो किसकी रचना है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक तो यह है पहला क्वेश्चन कि मीरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, और दूसरा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको भी क्लिक करें। उस पर भी क्लिक करने पर ऑल नोटिफिकेशन लिखा आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो जो ही हर वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अब पढ़ते हैं आगे, राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता। तो मित्रों, लास्ट चैप्टर में हमने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा कैसे उत्पन्न हुआ। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर लंबे समय तक भारतीयों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। क्रांतिकारियों के बलिदान, महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत को स्वतंत्र कराने में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, चापेकर बंधु, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, खुशीराम बोस, ये खुशी नहीं है, ये दरअसल खुदीराम बोस है, प्रफुल्ल चंद्र, वासुदेव, बलवंत फड़के, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, अरविंद घोष, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, सभी का योगदान था। भारत को स्वतंत्र कराने में कौन कौन क्रांतिकारी हुए, तो भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आजाद हैं, चापेकर बंधु, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र, वासुदेव, बलवंत फड़के, वीर सावरकर, बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक आदि जो हैं ये सभी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हमारे सामने हुए हैं। क्रांतिकारी, राजनेता, विचारक सब हैं इसमें। अब है सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान के विशेष संदर्भ में। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र असंतोष बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति और आर्थिक शोषण ने इस संतोष को और अधिक तीव्र कर दिया। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी तीव्र असंतोष का परिणाम था। ब्रिटिश विद्वानों ने इसे सैनिक विद्रोह या गदर कहा है, लेकिन यह उचित नहीं है। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा था। तो जो अंग्रेज हैं, उन्होंने केवल इसको सैनिक विद्रोह बताने का प्रयास किया ताकि इसका महत्व कम हो सके, लेकिन ऐसा नहीं था। यह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था। सैनिक विद्रोह से शुरुआत जरूर मानी जा सकती है। वो जो चर्बी वाले कारतूस आप पढ़ते हैं कि उस समय 1857 का जो तात्कालिक कारण था, लेकिन वो तात्कालिक कारण जरूर था। सैनिक विद्रोह से शुरुआत जरूर होती है, लेकिन इन्होंने 100 साल तक जो 1757 से 1857 तक जो हर वर्ग का शोषण किया, उन लोगों के मन में जो दबाव और गुस्सा था, उसकी अभिव्यक्ति हमें 1857 के संग्राम में देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों को भारत में आने के बाद में पहली बार इस तरह के इतने बड़े स्तर पर विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम के कारण। सबसे पहला आता है प्रशासनिक और राजनीतिक। अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लॉर्ड वेलेजली ने देसी रियासतों जैसे झांसी, नागपुर, सतारा, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ये जो सहायक संधि आप पढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेजली। भारतीय जमींदारों की भूमि छीन ली गई। मुगल सम्राट बहादुर शाह से अपमानजनक व्यवहार करके मुसलमानों को नाराज कर दिया गया। हालांकि ये जो लाइन लिखी है इन्होंने कि अपमानजनक व्यवहार करके मुसलमानों को नाराज कर दिया गया, तो ये लाइन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि केवल मुसलमान ही नाराज नहीं हुए थे, हिंदू भी नाराज बहुत हुए थे। बहादुर शाह का सभी सम्मान करते थे,
जो बहादुर शाह जफर हैं, जफर नाम से शायरियां लिखते थे, तो और चूंकि इनकी आयु भी थी वो काफी थी, 80 साल या इससे लगभग ऊपर थी इनकी आयु, तो सभी इनका सम्मान करते थे। तो मुसलमान भी नाराज हुए और हिंदू बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति नहीं दी गई, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था से भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक कारण से भेदभाव की नीति, जैसे मैंने आपको कई बार पहले बताया था, जैसे मान लीजिए सैनिक है, तो एक सैनिक कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी योग्य हो, जैसे उसको सिपाही से आगे उनको कुछ बनाने ही नहीं देंगे या ज्यादा से ज्यादा सूबेदार बना देंगे, लेकिन मेन हेड पोस्ट होगी उस पर हमेशा एक गोरे को बिठाएंगे, एक अंग्रेज को रखेंगे, चाहे उसमें योग्यता ना हो। और उसका व्यवहार भी जो है वो हमारे भारतीय सैनिकों के साथ अच्छा नहीं होता था। इस तरह का व्यवहार करता था कि अगले के आत्म सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना। कठोर व्यवहार एक अलग चीज है, लेकिन अगले के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना बार बार। अब जैसे मैंने हमने अभी वो पढ़ा था एक चैप्टर, जो विश्व वाला पढ़ा था, प्रथम विश्व युद्ध, जो लास्ट चैप्टर था हमारा, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा, सेकंड जो है वो वर्ल्ड वार पढ़ा, दूसरा विश्व युद्ध। तो आपने पढ़ा कि जो पहले विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के साथ जो अपमानजनक संधियां की गई, जर्मनी को अपमानित किया गया, उसी का परिणाम था कि उसी से हिटलर निकला, और हिटलर ने जो फिर इनकी धज्जियां उड़ाई, वो परिणाम किस चीज का था? एक सामान्य व्यक्ति इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन हिटलर ने क्यों किया? जब किसी का अपमान किया जाएगा, एक हद से ज्यादा अगर अपमान करोगे, तो फिर उसकी परिणति तो भविष्य में जो है वो सामने वाले को चुकानी पड़ेगी। और जब व्यक्ति हद से ज्यादा अपमानित हो या उसका अपमान लगातार किया जाए, तो फिर वो स्वयं के विनाश के बारे में भी नहीं सोचता, चाहे उसको खुद को मरना पड़े, लेकिन उसका उद्देश्य रहता है कि मुझे सामने वाले को जो है वो बर्बाद करना है। तो अपमान, ये कोई, ये चीजें व्यवहारिक लाइफ की चीजें होती है, व्यवहारिक जीवन की होती हैं। इसलिए स्वाभिमान से हर व्यक्ति को जीने का हक है, किसी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ये चीजें क्षणिक होती है, केवल पद पोस्ट पावर पैसा सब क्षणिक होता है, लेकिन स्वाभिमान और मान सम्मान का हकदार एक मजदूर से लेकर के किसान से लेकर के पीएम तक होता है। सबका मान सम्मान, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि उसको स्वाभिमान के साथ बात की जाए। तो बहुत से कारण थे, अंग्रेजों ने खुद चला चला करके मौके दिए विद्रोह करने के। तो पहला कारण था प्रशासनिक और राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? अंग्रेज भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की भी उपेक्षा की, भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई। भारतीयों के लिए रेल में प्रथम श्रेणी यात्रा की अनुमति नहीं थी, काले गोरे का भेद किया जाता था। इस लाइन से अगर आपको एक लाइन याद आ रही है तो बहुत सही याद आ रही है। कौन सी लाइन है वो? महात्मा गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में यही व्यवहार किया गया था, और जो प्रथम श्रेणी में उनके पास पैसे होते हुए जब उन्होंने प्रथम श्रेणी की टिकट खरीदी और प्रथम श्रेणी में बैठे, उसके बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया गोरों के द्वारा। किसके कारण? रंग भेद के कारण। और उसी दिन गांधी जी ने कहा था कि बेटा तुम मुझे अभी तो फेंक दो, उसके बाद भविष्य में जो मैं तुम्हें धजियां उड़ा के तुम्हें उठा उठा के फेंकूंगा यहां से, वो तुम याद ही करोगे। और वही गांधी जी ने किया बाद में भारत में। पाश्चात्य सभ्यता भारतीयों पर लादने की चेष्टा की, सामाजिक दृष्टि से भी अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। आगरा के एक मजिस्ट्रेट की टिप्पणी से अंग्रेजों की मानसिकता झलकती है, जिसमें उसने कहा था, प्रत्येक भारतीय को चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसे विवश किया जाना चाहिए कि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करें। यदि भारतीय घोड़े या गाड़ी पर सवार हो तो उसे नीचे उतरकर तब तक खड़े रहना चाहिए जब तक कि अंग्रेज वहां से निकलना जाए। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेज किस हद तक भारतीयों का शोषण करते थे। वही मैं कह रहा हूं बार बार, स्वाभिमान पर चोट करना। भारतीय चाहे कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही कुछ भी हो, कितनी अच्छी पोस्ट पे हो, किसी धनाढ्य वर्ग से हो, लेकिन फिर भी अगर कोई गोरा उसको दिख जाए तो उस गोरे को सलाम उसको करना चाहिए, और उसको सड़क पर उतर करके, अगर वो घोड़े पर है या गाड़ी पर है, तो नीचे उतरो और तब तक खड़े रहो जब तक कि अंग्रेज वहां से निकल नहीं जाए। तो इस प्रकार से ये भारतीयों में हीन भावना भरने का प्रयास करते थे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो हमारे सामने हीन हो। अंग्रेजों ने सन 1856 के पैतृक संपत्ति कानून के अनुसार उत्तराधिकार के नियम में यह परिवर्तन कर दिया कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रावधान था कि यदि कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित किया
किया जा सकता था। अंग्रेजों की इस कार्यवाही से भारतीयों में असंतोष जागृत हुआ। तो अब ये देखिए आप कैसे, ये मैंने पहले भी चर्चा की है आपसे, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी इस पर चर्चा की थी। मैंने कहा अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि आप जैसे कोई ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा तो उससे तो जो पैतृक संपत्ति है उसमें अधिकार मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो बड़ा अजीब तरह का फंसा दिया। तो इस तरह के नियम बनाते थे अंग्रेजों द्वारा। भारत में दिए गए सामाजिक सुधार और आधुनिकीकरण के नाम पर रेल डाक तार विभाग में किए गए काम को भी भारतीयों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण माना। तो मित्रों, कोई व्यक्ति अगर धर्म पर चोट करेगा तो यही होगा। जैसे आपको एक उदाहरण और बताता हूं, अकबर के समय का देखिए। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था और अकबर के साम्राज्य को खड़ा करने में, अकबर को महान बनाने में राजपुताना के एक शासक का बहुत बड़ा योगदान था और वो था मानसिंह। 52-53 साल के आसपास जो है इसने अकबर की सेवा की मानसिंह ने। लेकिन जब अकबर ने मानसिंह को ये दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने के लिए कहा कि भाई तुम ये स्वीकार कर लो, मानसिंह ने हाथ जोड़ दिया कि साहब माफ करो, ये काम नहीं होगा। तो अकबर ने भी इसको कुछ कहा नहीं दोबारा। तो धर्म वो चीज है कि व्यक्ति को अपना एक अस्तित्व नजर आता है कि मैं हूं क्या, मेरा मेरी पहचान क्या है, जिस पर वो टिका हुआ है। तो वो चीज है एक धर्म के रूप में आती है कि वो धर्म। तो जब किसी के धर्म परिवर्तन को करवाया जाएगा, उसके धर्म पर अगर ठेस पहुंचाई जाएगी, तो फिर लोगों में विरोध निश्चित रूप से होगा और बहुत भयंकर रूप में विरोध होगा। उसके बाद आता है धार्मिक कारण। अंग्रेजों का एक छद्म उद्देश्य था भारत में अपने धर्म का प्रचार करना। छद्म का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, मतलब सामने इस चीज को जाहिर नहीं करना लेकिन मन में वो भावना रखना। हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां है ब्रिटेन में, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मेगलस द्वारा दिए गए व्याख्यान से यह स्पष्ट कहा गया था कि देव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य अंग्रेजों को मिला, ताकि अपने मजहब की पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था मेगलस, इसका ये दिया गया बयान था, एक व्याख्यान था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था। ये केवल भारत का शोषण ही नहीं कर रहे थे, उसके साथ साथ अपने ईसाई धर्म का भी प्रचार करना चाहते थे। अभी कुछ समय पहले की एक घटना थी, एक ईसाई प्रचारक अभी कुछ समय पहले ही आया था, वो अंडमान निकोबार की तरफ, वो सेंटिनल द्वीप था शायद वहां पर। तो वहां के जो आदिवासी जो रह रहे थे उन्होंने इसको जल्दी ही मुक्ति दे दी, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था, तीर कमान मारे वो वहीं साफ हो गया। तो ये तो अभी की एक घटना है। और इस समय जब सत्ता इनके हाथ में है, पूरा भारत इनके हाथ में है, तो इन्होंने खूब कोशिश किया ईसाई धर्म का प्रचार करने का। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अपने मजहब प्रचारकों को भारत में रहने और अपने मत का प्रचार करने की स्वीकृति मिल गई, और जो मतांतरण कर लेता था उसे अन्य सुविधाओं के साथ राज्य की सेवा का भी अवसर मिलता था। सेना में भी पादरियों की नियुक्ति होने लगी। अंग्रेजों के प्रति भारत में यह धार्मिक असंतोष भी सन 1857 ईस्वी के आंदोलन का कारण बना। अब आता है सैनिक कारण। सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत सैनिक असंतोष के रूप में हुई थी। भारतीय सैनिकों के प्रति वेतन भत्ते पदोन्नति व व्यवहार में भेदभाव किया जाता था, ये मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए। भारतीय सैनिकों को 9 रुपया मासिक दिया जाता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को 60 या 70 रुपया दिया जाता था। 10-10 गुना ज्यादा, साथ साथ 8-8 गुना ज्यादा जो है इनको पैसे दिए जाते थे। थोड़ी सी गलती पर भी उन्हें बंदूक के नट से मारा जाता था और ठोकर मारी जाती थी। भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजों से 3 गुनी थी। उनको यह एहसास था कि अंग्रेजों का राज्य हमारे बल पर ही चल रहा है। इससे भी उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में प्रोत्साहन मिला। क्रीमिया युद्ध में अंग्रेजों की हार से भी भारतीय सैनिकों को प्रेरणा मिली। क्रीमिया कहाँ है ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में मैथ में आपको बताया था। याल्टा जो है वो इसी में है, क्रीमिया में, जो याल्टा सम्मेलन आपने पढ़ा। भारतीय सैनिकों के भत्ते को भी समाप्त कर दिया गया। द्वितीय बर्मा युद्ध के समय भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा गया तो उसका विरोध किया गया, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में समुद्री यात्रा को धर्म विरुद्ध माना जाता था, उसे अच्छा नहीं मानते थे। आप पढ़ते हैं जयपुर के एक शासक थे माधो सिंह जी, माधो सिंह सेकंड, फर्स्ट नहीं, माधो सिंह सेकंड। तो ये माधो सिंह सेकंड भी जब ब्रिटेन गए
तो चूंकि उस समय जो यात्रा है समुद्र यात्रा उसे अच्छा नहीं माना जाता था, तब चांदी के दो बड़े बर्तनों में जो है ये पानी साथ लेकर के गए थे, यहां का पानी वही पानी प्रयोग किया इन्होंने, और वो दोनों बर्तन अभी भी इस प्रकार से सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। जयपुर में जो सिटी पैलेस है यहां पर, तो वहां पर रखे हुए हैं चांदी के बर्तन, और बहुत ही सुंदर बर्तन है। लगभग 6 से 8 फीट के आसपास की हाइट है इनकी, ये जो ऊंचाई है। तो क्यों? क्योंकि समुद्र यात्रा को अच्छा नहीं मानते थे, और जब भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती समुद्र पार भेजा जाएगा तो उनमें इसका विरोध तो होगा। तो सन 1857 से पूर्व भी कई सैनिक विद्रोह हो चुके थे। उसके बाद आता है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की भारत के प्रति आर्थिक शोषण की नीति से भारतीयों में तीव्र असंतोष था। ब्रिटेन का उद्देश्य भारतीय उपनिवेश से अधिक पूंजी एकत्रित करना था। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट किया। अंग्रेज अमीर और भारतीय अधिक गरीब होते गए। अंग्रेजों ने अत्यधिक लगान लगा दिया, किसानों और जागीरदारों का उत्पीड़न किया। अकाल के समय भी किसानों और जमींदारों का शोषण किया, किसानों की सहायता नहीं की गई, इससे भारतीयों में विरोध बढ़ता गया। अब आता है तात्कालिक कारण। देखिए, ये चीजें जो अकाल के समय भी किसानों और जमींदारों का शोषण वगैरह किया, ये पहले हमने कई बार पढ़ी है, तो अब मैं इनको फिर से उदाहरण के माध्यम से यहां बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तात्कालिक कारण क्या है? जिस समय क्रांति की शुरुआत होती है, सैनिकों को पुरानी राइफलों के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई। देखिए, मैंने 1857 का जो है वो क्रांति का वीडियो बना रखा है, भारत की जो राष्ट्रीय क्रांति है 1857, तो उसको आप जरूर देखिएगा। लगभग 12 लाख उसको विद्यार्थियों ने देखा है अब तक। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट और मैटर मिलेगा आपको, वही हिस्ट्री वाली जो वीडियो वाली है प्लेलिस्ट, उसमें मिल जाएगा। जिसके कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में यह बात फैल गई कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अंग्रेजों के इस कार्य को भारतीय सैनिकों ने धर्म विरोधी माना। अब यह बात फैल गई, कुछ कहते हैं यह अफवाह थी, कुछ कहते हैं सच था। जो भी था, कई बार कुछ अफवाहें भी ठीक हो जाती हैं, जो हित में हो। कई बार ऐसी अफवाह भी फैले तो वो राष्ट्र के हित में ही है, अगर वो वास्तव में हित में है तो। अब गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है तो हिंदू मुसलमान है वो दोनों नाराज हो गए, धर्म विरोधी माना इसे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, ये बंगाल में है, कि छावनी में मंगल पांडे, ये सैनिक था, ने चर्बी वाले कारतूस मुंह से काटने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी? हत्या कर दी, मोक्ष की प्राप्ति करवा दी उसे। 29 मार्च को ये मना कर दिया और उसने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। देखिए मित्रों, एक चीज ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। और तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 में, लगभग 2 साल बाद। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857, और तात्या टोपे इन्हें फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में। इससे सैनिक भड़क गए और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब यहां से एक शुरुआत तो हो गई चिंगारी की। मेरठ से क्रांति का प्रसार दिल्ली, कानपुर, बिहार, राजस्थान, दक्षिण भारत आदि स्थानों तक गया। तो 10 मई से जो है वो क्रांति की शुरुआत हो जाती है मेरठ से। हालांकि प्लान था कि हम 31 मई से करेंगे, लेकिन ये बैरकपुर छावनी में ये घटना होगी, मंगल पांडे को फांसी दे दी तो सैनिक भड़क गए और धैर्य धारण जो है वो नहीं कर सके। चूंकि सैनिक होते हैं, सैनिक का खून वैसे ही गर्म होता है। पूरी बटालियन थी, बटालियन ने विद्रोह कर दिया 10 मई से, और प्लान कब का किया हुआ था? 31 मई का। तो समय से पहले शुरू हो जाने भी इस क्रांति की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। ये चीजें हमारे जीवन में बहुत सीखने के लिए होती है। एक शब्द होता है धैर्य, धीरज, ये बहुत बड़ा शब्द होता है। अब आता है स्वतंत्रता संग्राम के नायक। भारतीयों के इस संगठित विरोध ने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे अजीमुल्ला, बिहार के कुंवर सिंह, दक्षिण भारत में रंगाजी बापू गुप्ते तथा मेवाड़ के सामंतों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने सैनिक सहायता प्रदान की। सुलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अपनी शरण दी। कोठारे के रावत जोत सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी की संपत्ति लूट ली और नेमजी चारण को संरक्षण दिया। तो ये सब चीजें हमने पहले भी नाम कई जगह लिए हैं, कई आपके लिए नए होंगे जो अभी तक चैप्टर में पहली बार आए हैं। नेमजी चारण का नाम अब तक इन सभी पुस्तकों में पहली बार आया है, तो जो जो आपके लिए नए पॉइंट हैं वो सब आप ध्यान में रखें। तो कौन कौन से हैं? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, अजीमुल्ला, बिहार से कुंवर सिंह, दक्षिण भारत में रंगाजी बापू, कई हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। राजस्थान में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेजों के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने अंग्रेजों विरोधी संघर्ष में जोधपुर राज्य और अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से परास्त किया, जो आपको पहले भी हमने पढ़े हैं। इनके बीच में कई युद्ध हुए थे, और बिठोड़ा का युद्ध है, चेलावास का युद्ध है जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं, उसके बाद आहुआ का युद्ध हुआ था, तीसरे युद्ध में कुशाल सिंह पराजित हुए थे। बाकी बिठोड़ा के युद्ध में, चेलावास के युद्ध में, इन दोनों में किसको प्राप्त विजय प्राप्त हुई थी? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को। दूसरे चेलावास में तो इन्होंने जो ये था यहाँ का पीए मारवाड़ का मैक मैसन, इसे मार दिया था, इसकी गर्दन काट के और आहुआ के किले पर लटका दी थी, परास्त किया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने ब्रिटिश रेजिडेंट मैक मेसन का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे आहुआ के किले पर लटका दिया। ये पॉलिटिकल एजेंट था उस समय मारवाड़ का, और मारवाड़ के उस समय शासक कौन थे? तख्त सिंह। आहुआ के ठाकुर को मेवाड़ के सामंतों का भी जन समर्थन था, लेकिन दूसरे वर्ष जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने ठाकुर कुशाल सिंह पर आक्रमण कर दिया। किलेदार को रिश्वत देकर किले के दरवाजे खुलवा दिए और किले में प्रवेश कर गए। 28 मई 1857 को नसीराबाद के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया, खजाना लूट लिया, एक अंग्रेज अधिकारी के टुकड़े कर दिए। अंग्रेज अधिकारी प्राण बचाकर वहां से भाग निकले और यहां से सैनिक दिल्ली कूच कर गए। अब नसीराबाद क्रांति के समाचार है वो कहां पहुंच गए? नीमच। नीमच में सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया, अंग्रेज अधिकारी उदयपुर की ओर भाग गए, महाराणा ने उन्हें महलों में शरण दी। कोटा में भी अंग्रेजों के विरुद्ध आम जन और राज्य की सेना द्वारा संघर्ष किया गया। कोटा के महाराव को भी अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति के कारण क्रांतिकारियों का कोबाजन बनना पड़ा। अंग्रेज विरोधी भावना जागृत करने में जयदयाल, मेहराब खान, रतनलाल और जियालाल की प्रमुख भूमिका रही। कोटा के संपूर्ण प्रशासन पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। कोटा में इस दौरान लगभग 5 माह तक जनता का शासन रहा। ये सब चीजें हमने पहले पढ़ चुके हैं इस पूरी जो सीरीज चल रही है अभी। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, इसकी भी गर्दन काट दी थी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दो पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। यहां क्रांतिकारियों का जनता ने साथ दिया। यहां के शासक को क्रांतिकारियों ने महल में कैद कर लिया। 6 माह तक कोटा में क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। टोंक और शाहपुरा में अंग्रेजी सैनिकों के लिए द्वार बंद कर दिए गए, लेकिन सर्वमान्य नेता के अभाव में अंग्रेजों ने अपने सैनिक बल के आधार पर इस क्रांति का दमन कर दिया। तो इसने कुछ बेसिक बेसिक ये चीजें बताई हैं, और टोंक और शाहपुरा में अंग्रेजी सैनिकों के लिए द्वार बंद कर दिए गए, लेकिन चूंकि एक सर्वमान्य नेता जो है वो नेतृत्व नहीं कर सका यहां शीर्ष रूप से कि कोई एक लीडर हो, तो इस कारण से, और भी कई कारण हैं, उनमें से एक यह भी कारण था जिसके कारण यह क्रांति जो है यह असफल हुई। लेकिन इसने यहां से भविष्य के लिए मार्ग जरूर तैयार कर दिया, और 1947 में भारत को जो है वो सत्ता प्राप्त हो जाती है, भारत आजाद हो जाता है। अब है तात्या टोपे। तात्या टोपे ने राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश किया और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। यहां के शस्त्र भंडार पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। राजस्थान में तात्या टोपे के आगमन से क्रांतिकारियों में नया जोश आ गया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारे के सामंत जोत सिंह ने तात्या टोपे को पूरा सहयोग दिया। नरवर के शासक
मान सिंह ने तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। तो दोस्तों ये इसने धोखा दिया, और ये अच्छा मित्र था तात्या टोपे का। भारत की सबसे बड़ी विडंबना जो है, कभी कभी जो मुझे, मैं सोचता हूं कभी इस बारे में तो मेरा भी खून खोल उठता है कि भारत इसलिए नहीं हारा कि यहाँ के लोगों में कोई वीरता की कम थी। भारत इसलिए हमेशा पराजित हुआ बाहर वालों से, इसलिए शोषित हुआ क्योंकि यहाँ गद्दारों की कोई कमी नहीं है। एक घर में कोई वीर मिलेगा जो देश के लिए अपना बलिदान देगा, तो दूसरे घर में एक गद्दार मिल जाएगा जो चंद पैसों के लिए, चंद स्वार्थ के लिए इस अपने वीर को बलिदान करवा देगा, धोखे से मरवा देगा। तो ये हिंदुस्तान के अंदर चीजें हैं, यहां गद्दार भी हैं और वीर भी हैं। आप कोई भी देख लीजिए, आपको हर जगह हमारे क्रांतिकारी कोई भी योजना बनाते थे, भगत सिंह जैसे इतने क्रांतिकारी वीर, उनकी भी योजनाएं बहुत बार फेल हो जाती थी। क्यों? कोई उनके बीच का ऐसा निकलता था जो जाकर के अंग्रेजों को सूचना देता था और इनके खिलाफ जो है वो साजिश रचता था। कई बार ऐसे लोग पकड़े गए। जब आप डिटेल में इतिहास पढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी। प्रताप सिंह बारट का जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे, केसरी सिंह बारट का बेटा बेटा है प्रताप सिंह बारट, तो उसको भी रेलवे स्टेशन पे पकड़ा दिया गया उसी के ही जानकार ने, परिचित ने। तो गद्दारों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। ISO 1859 में उसे फांसी दे दी गई, लेकिन फांसी देना सत्य नहीं है। क्रांति को कमजोर होता हुआ देखकर वह अज्ञातवास में चला गया। इसी के साथ ही राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम भी समाप्त हो गया। अब ये इन्होंने लाइन लिखी है कि फांसी देना सत्य नहीं है, लेकिन इन्होंने क्यों लिखा है ये नहीं पता, लेकिन ये गलत प्रिंट है। ये जो आपको मैंने बताई है डेट 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को जो है वो फांसी दे दी गई थी शिवपुरी में, तो ये लाइन जो है ये सही नहीं है। ये स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण, क्या क्या असफलता के कारण थे? तो कारण बहुत सारे हैं। संगठित और सामूहिक विरोध से अंग्रेज घबरा गए। क्रांतिकारियों ने प्रारंभ में अंग्रेजों को कई स्थानों पर पराजित किया, लेकिन विशाल सैनिक शक्ति और यहां की रियासतों के शासकों की सहानुभूति के बल पर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दमन हो गया। मित्रों उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि बाद में प्रथम वायसराय भी बनाया गया। गवर्नर जनरल के तौर पर वह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था, उनका हेड था यहाँ, और वायसराय के रूप में वह जो वहां की सत्ता थी ब्रिटिश महारानी, उसके प्रतिनिधि के तौर पर काम किया 1857 के बाद। लॉर्ड कैनिंग ने इस क्रांति के बाद में ये कहा, जब ये पूरी तरह से इस क्रांति को दबा दिया गया, कि यहाँ के शासकों ने ये जो तूफान आया था क्रांति का, इसमें बांध का काम किया। अगर यहाँ के शासक हमारा सहयोग नहीं करते तो हम यहां से उड़ जाते कब के। तो यहाँ के शासकों ने सहयोग किया था। और क्या क्या थे? निश्चित योजना का अभाव, फिर हमारे पास साधन जो थे वो सैनिक शक्ति और सीमित साधन थे। देसी रियासतों ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। क्रांतिकारियों की शुरुआत, जो क्रांति की शुरुआत है 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि क्रांति 10 मई से ही शुरू हो गई। लॉर्ड कैनिंग की कूटनीति से देसी रियासतों को अपने पक्ष में कर लिया और क्रांतिकारियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का महत्व और परिणाम। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि सफलता नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों को प्रशासनिक नीति में परिवर्तन और सेना के पुनर्गठन के लिए विवश होना पड़ा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भविष्य में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली। देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आया। महारानी ने अपनी घोषणा में देशी राजाओं को उनके अधिकार, सम्मान, गौरव दिलाने की बात कही, लेकिन उनको दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। अंग्रेज समझ गए कि हिंदू मुस्लिम एक रहे तो अंग्रेज अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, अतः उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को जन्म दिया। देखिए दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी, इसमें आपने देखा है हिंदू शासक जो हिंदू वीर हैं और मुस्लिम,
सब कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे हैं। और ये चीज अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद में नोटिस की कि ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे लड़ रहे हैं। तब यहां से इनको ने ऐसी ऐसी पॉलिसी ऐसे बनाएंगे, ऐसी ऐसी नीति बनाएंगे कि दोनों के मध्य गहरी खाई आती जाएगी, इन दोनों को बिठाने का काम करेंगे और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया, सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और तोपखाना भारतीयों के पास नहीं रहा। यद्यपि अंग्रेजों ने अपनी सैनिक शक्ति और कूटनीति के बल पर भारतीयों के इस संघर्ष को दबा दिया, लेकिन इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि यदि भारतीय संगठित होकर नियोजित प्रयास करें तो अंग्रेजों को भारत से बाहर किया जा सकता है। अंग्रेजों को भी यह एहसास हो गया कि भारत पर शासन करना है तो फूट डालो राज करो की नीति अपनानी होगी। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय का विकास हुआ और अंततः इसी के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र भी हुआ। यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। राष्ट्रीय देश के प्रति संपूर्ण पूर्ण समर्पण का भाव क्या है? राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की धारणा का प्रबंधन वैदिक काल से ही प्रारंभ रहा है। राष्ट्र की जनता में मैं के स्थान पर हम की भावना राष्ट्रवादी उत्पन्न करता है। 19वीं शताब्दी का भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दमन चक्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। भारत में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने में समाचार पत्रों और भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और क्रांतिकारियों की भूमिका रही। वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उसमें चर्बी वाले कारतूस थे, इन्होंने तात्कालिक कारण था। प्रमुख वीर कौन कौन थे उस समय के? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह आदि का विशेष उल्लेखनीय है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रसार दक्षिण भारत में भी महाराष्ट्र, हैदराबाद, मद्रास आदि राज्यों तक व्याप्त था। राजस्थान में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में नसीराबाद, नीमच, देवली, कोटा, टोंक, रेनपुरा, कोटा तक फैल गया था। तो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। और अब हम जो है इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला है, भारत में छापे खाने की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइएगा। आपके इन चार में से कितने सही होते हैं यह आपको कमेंट करके बताना है। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? सोचिए कौन है, कौन है? वीर सावरकर। मेजर बटन पॉलिटिकल एजेंट था, कहां का? कोटा का। ठाकुर कुशाल सिंह किस स्थान के शासक थे? जागीरदार थे ये। कहां के? आहुवा के। आहुवा कहां पड़ता है वर्तमान में? पाली में। ये कई स्थान हैं, जैसे बिठोड़ा है और एरिनपुरा है। बिठोड़ा, एरिनपुरा, आहुवा, चेलावास, ये सब स्थान कहां पर है? पाली में। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं कमेंट करके। बंगाल गजट का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व तो किसने किया? निर्धारित योजना अनुसार क्रांति की शुरुआत कितनी तारीख को होनी थी? और मेजर बटन की हत्या कहां की गई? इन 500 क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। और मित्रों इसी के साथ ही आपका 6th चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। उसके बाद 7th चैप्टर जो है ये नेक्स्ट जो है वीडियो में हम पढ़ेंगे। मित्रों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। जो महत्वपूर्ण शासक रहे हों, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के वीर रहे हों, चाहे लोक देवता हों, चाहे देवियां हों, चाहे संप्रदाय से संबंधित हैं, सभी व्यक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप देखिएगा कितने हैं, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास, सांगा, मालदेव, मीराबाई, पन्नाधाई, अमृता देवी, सूरजमल, गोविंद गुरु, कालीबाई, जो जितने भी लोक देवता हैं, देवियां हैं, संप्रदाय हैं, वे सब हम पढ़ेंगे। तो मित्रों बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसी प्रकार से मेहनत करते जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। देखिए कोई चीज शुरुआत करते हैं, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने में थोड़ी समस्या होती भी और नहीं भी होती। कोई भी नई चीज शुरुआत करनी होती है तो एक बार वैसे उसको शुरू करना होता है, लेकिन उसमें एक एनर्जी होती है कि हाँ हमें ये काम शुरू करना है। लेकिन वो एनर्जी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रहती है, उसके बाद वो एनर्जी खत्म और उस काम के प्रति वो जोश नहीं रहता।
तो इस चीज को नहीं करना है, इस ऊर्जा को बरकरार रखना है। इसी ऊर्जा और उत्साह से अपनी पढ़ाई को निरंतर आप पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पढ़ाई और खेती ये ऐसी चीज है जिसमें रिजल्ट हाथों हाथ आपको कभी नहीं मिलता। आप 4-5 महीने तैयारी करते हैं खेती की बात करें, पढ़ाई की बात करें तो कम से कम 6-7-8 महीने आप रेगुलर स्टडी करेंगे, तब जाकर के एक दिन वो 2 या 3 घंटे का जो पेपर होगा उसमें रिजल्ट मिलेगा। वो तो केवल 2-3 घंटे का परिणाम नहीं है, वो उस 2-3 घंटे से पहले आपने पूरे साल भर क्या किया है उसका रिजल्ट है वो 2-3 घंटे का पेपर जो आपका सामने आएगा रिजल्ट। तो और पढ़ाई अगर इतनी ही आसान होती तो दुनिया में कट ऑफ जो है वो 99% जाती, 100% जाती। तो इसलिए इस हिम्मत को बरकरार रखें, दुनिया में पढ़ाई से आसान काम कोई नहीं है। आप खेतों में काम करके देखें, कभी एक दिन 2 दिन आप अगर खेतों में काम करेंगे तो आप वापस लौट करके आएंगे कि इससे अच्छा पढ़ाई तो बहुत आसान है, बस बैठे बैठे पढ़ना ही तो है। तो इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें, अपने जीवन को आसान बनाएं, सरल बनाएं, सुखद बनाएं, और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ये मत भूलें। जितने ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही जोश और आएगा हमको पढ़ाने में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।